फ्रेंड्स वेलकम टू माय किचन। हम बाउल में डालेंगे 200 ग्राम मैदा, 200 ग्राम ऑल पर्पज़ फ्लोर। इसमें हम डालेंगे 3 ग्राम चीनी और 3 ग्राम नमक, 3 ग्राम सॉल्ट, 3 ग्राम शुगर। अब हम इसमें डालेंगे 1 लहसुन की कली मतलब 18 ग्राम गार्लिक। इसमें हम डालेंगे 25 ग्राम स्प्रिंग ओनियन मतलब इस सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें डालें 1 टेबलस्पून बटर। सारी चीज़ें मेजरमेंट्स को फॉलो करें तो परफेक्ट रेसिपी बनेगी आपकी। तो सारी चीज़ों को पहले मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, मसालों को, नमक, चीनी, बटर, गार्लिक और ग्रीन ओनियन का मैंने सिर्फ हरा पार्ट इस्तेमाल किया है। इसमें हम डालेंगे 380 ml पानी। धीरे धीरे करके पानी डालेंगे, टोटल 380 ml पानी जाएगा इसमें। तो धीरे धीरे पानी डालें और इसे मिक्स करते जाएं। तो ये देखें मैं पानी धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ, टोटल 380 ml ही इसमें पानी जाएगा। तो मैं फिर से कह रही हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ मेजरमेंट्स को फॉलो करिएगा तो रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो ये मिक्सिंग करते हैं, जैसे चीला या पैनकेक होता है ना वैसे इसका बैटर बना लेना है। तो अच्छे से मिक्सिंग करते जाएं। चीले और पैनकेक को वैसे भी ओवर विस्किंग की जाती है तो इसे आप बहुत ज़्यादा विस्क कर सकते हैं। तो ये हमारा बैटर रेडी है। अब चलते हैं पकाने की तरफ। तो एक नॉन स्टिक पैन लें और उसमें तेल लगाएं, ऑयल लगाएं ब्रश से। और अब हम इसमें आधा कप का जितना बैटर इसमें डालेंगे। पहले बैटर को मिक्स करें क्योंकि आटा बॉटम में बैठ जाता है। तो इस तरीके से हम चीले बनाएँगे, गार्लिक के चीले। तो पहले इसे सूख जाने दें, फिर ही हम इसे पलटेंगे दूसरी साइड से। तो अब हम ये सूख गया है, अब हम इसे पलट देते हैं। देखें इसी तरीके से हम सारे बनाएंगे। दोनों साइडों से सुर्ख सुनहरा पका लेना है, गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेना है दोनों साइडों से। तो ये देखें ये नीचे से पक गया है। तो अब हम इसे फिर से पलट देते हैं। देखें कितना अच्छा कलर आया है, गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है दोनों साइडों से। एक पक गया था, अब फिर से हम ब्रश से तेल लगाएंगे और फिर आधा कप का बैटर भरेंगे। आधा कप मेजरमेंट रख लें तो आपके सारे पैनकेक एक साइज़ के बनेंगे। तो मैं बार बार आधा कप ही इस्तेमाल कर रही हूँ बैटर डालने के लिए। इसे सूख जाने दें, सेट हो जाए, फिर ही हम इसे पलटेंगे। एक बन गया है, ये तो मैं फ़ौरन से खा गई थी, इतना टेस्टी बना था। अब इसके ऊपर तेल लगाएं ताकि जब पलटें आप तो ये पैन चमचे पे चिपके नहीं और आराम से फ्लिप हो जाए। ये देखें इस तरीके से गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे दोनों साइडों से मीडियम फ्लेम पे। फ्लेम मीडियम रखें पूरे प्रोसेस में। तो ये देखें मैं आधा तो यहीं खा गई बनाते बनाते ही। तो ये देखें नीचे से ये भी पक गया है, मैंने पलट दिया। तो अब हम इसे भी निकाल लेते हैं प्लेट में और अब एक दूसरा लास्ट में आपको दिखा देती हूँ। इसी तरह हम बनाएंगे, टोटल 6 या 7 पैनकेक बनेंगे इतने बैटर में से। तो ऐसे भी हम बना लेते हैं। दोबारा आधा कप लें, मिक्स करें बॉटम तक ताकि जो नीचे बैठ गया है वो ऊपर उठ के आए और बैटर भर लें इसमें। और फिर सेंटर में डालें, ये अपने आप ही फैलता जाएगा। इसका थोड़ा शेप सही नहीं आया तो मैं थोड़ा और डाल देती हूँ, ओवल शेप बनाए ताकि ये सर्कुलर बने। बस आप सेंटर में डाल दीजिएगा, खुद ही शेप पकड़ लेगा। तो ये पक गया है नीचे से, इसे भी हम पलट देते हैं। इसी तरह से हम सारे बनाएंगे और इसे आप अचार के साथ सर्व करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब योर व्यूज मैटर से लॉर्ड प्रेस बेल आइकन बटन, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू, सर्व विथ पिकल।